दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के अंग्रेजी में कन्वर्सेशंस यानी आपको अंग्रेजी में हम बात करना सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना होता है कि हम भी अंग्रेजी में बोलें, और दोस्तों वो नहीं समझ पाते हैं और वो नहीं बोलते हैं और उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों आज इसका हम सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। ये जो दोस्तों ये जो अभी बात है ये किताब का एक चैप्टर है, उसी चैप्टर को हम निकाले हुए हैं और समझा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे यदि आप नए नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार का वीडियोज हमेशा लाते रहते हैं जिससे स्टूडेंट को अंग्रेजी पढ़ने में सहूलियत होता है और वो हमारे वीडियोज को देख के वो धीरे धीरे अंग्रेजी में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और अंग्रेजी पढ़ के वो समझ भी जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो दोस्तों कन्वर्सेशन है ये रेलवे टिकट जो है वहाँ पे बुकिंग का है, यानी एक लड़का शाहिद है, शाहिद वो जाता है रेलवे स्टेशन और वहाँ पे वो अपना दिल्ली का टिकट बुक करता है। इसी के बारे में दोस्तों दोनों के बीच में ये बातचीत चल रहा है। तो दोस्तों बुकिंग ए रेलवे टिकट, बुकिंग करने गया है एक रेलवे का टिकट। शाहिद नाम है दोस्तों। शाहिद बोलता है गुड मॉर्निंग यानी नमस्ते, गुड मॉर्निंग का हिंदी होता है नमस्ते। तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का अर्थ होता है वहाँ जो काम करने वाले होते हैं उनको एम्प्लॉय बोलते हैं। तो एम्प्लॉय बोलता है गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ, यानी नमस्ते मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। दोस्तों हाउ का अर्थ होता है कैसे या किस तरह, कैन का अर्थ होता है सकना और आई का अर्थ होता है मैं, हेल्प यू का अर्थ होता है आपकी मदद, यानी मैं आपकी मदद किस तरह कर सकता हूँ। ये जो वहाँ जो इम्प्लाई है वो बोलता है। तो शाहिद बोलता है आई वॉन्ट टू गेट सम टिकट्स बुक्ड टू न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली के लिए कुछ टिकटें बुक कराना चाहता हूँ यानी आरक्षित कराना चाहता हूँ। ये जो शाहिद है ये बोलता है। आई का अर्थ होता है मैं, वांट का अर्थ होता है चाहना, टू गेट सम, गेट का अर्थ होता है पाना, सम का अर्थ होता है कुछ, टिकट्स, टिकट का अर्थ होता है टिकट, टिकट बुक्ड का अर्थ होता है आरक्षित करना, बुक करना, टू न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली के लिए मैं कुछ टिकट को बुक कराना चाहता हूँ, ये शाहिद बोलता है। तो एम्प्लॉय बोलते हैं यानी वहां जो कर्मचारी है वो बोलते हैं श्योर, निश्चित, विच डेट, कौन सा डेट का यानी किस तिथि का। तो शाहिद बोलता है फॉर द 6th ऑफ दिस मंथ, यानी ये जो महीना है इसकी 16वें तारीख का हमें टिकट चाहिए। तो एम्प्लॉय बोलता है, वहां जो कर्मचारी है उनको बोलते हैं, एम्प्लॉय इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मेनी टिकट्स डू यू वांट, यानी आपको कितने टिकट चाहिए। हाउ का अर्थ होता है कैसे या कितना, मेनी का अर्थ होता है अधिक, टिकट्स का अर्थ होता है टिकट, डू यू वांट यानी आपको कितने टिकट की जरूरी है, आवश्यकता है। तो शाहिद बोलता है आई वांट 5 टिकट्स, मुझे 5 टिकट्स की आवश्यकता है या जरूरत है। आई का अर्थ होता है मैं या मुझे, वांट का अर्थ होता है आवश्यकता, 5 का अर्थ होता है 5 और टिकट्स का अर्थ होता है टिकट यानी मुझे 5 टिकट की आवश्यकता है या जरूरी है। तो एम्प्लॉय बोलता है ओके यानी ठीक है। तो शाहिद बोलता है बुक्ड टिकट एनी इवनिंग ट्रेन, यानी ये जो हमारा जो टिकट है कोई शाम वाला जो ट्रेन है ना इसमें आप बुक कर दीजिए। तो एम्प्लॉय बोलता है ओके। फिर शाहिद कहता है इट वुड बी गुड इफ ऑल आर लोअर बर्थ इन 3rd AC। तो शाहिद बोलता है कि अच्छा होगा यदि आप मुझे तृतीय श्रेणी में वातानुकूल अगर सीट दे दें। इट का अर्थ होता है इसे, वुड का अर्थ होगा चाहिए, बी गुड यानी अच्छा होगा मेरे लिए, इफ अगर ऑल आर लोअर यानी सब नीचे वाला ही मिल जाए, बर्थ वाला मिल जाए, इन 3rd AC और तृतीय श्रेणी का जो एसी है ना उसका सब नीचे वाला मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो एम्प्लॉय बोलता है ओके सर, ठीक है सर, लेट मी चेक।
अभी हम चेक करके आपको बताते हैं, यानी मुझे जांच कर लेने दीजिए। शायद बोलता है श्योर, निश्चित। फिर इम्प्लॉय बोलता है, सर देयर आर फोर ट्रेन्स विच मैच योर क्रिटेंस, यानी आप जो बोले हैं उसके हिसाब से यहाँ पे चार ट्रेन मैच कर रहा है। द टाइम्स आर 6:30 PM, 8:30 PM, 10:30 PM एंड 10:55 PM। विच ट्रेन वुड यू प्रीफर, यानी आप इसमें से कौन सा ट्रेन को आप प्रीफर करना चाहेंगे, आप उनको उनसे प्राथमिकता देना चाहेंगे। ये इम्प्लाई बोलता है, यानी इम्प्लाई कहता है कि जैसा आप बोले हैं उसके हिसाब से 6:30 बजे शाम में है, 8:30 बजे शाम में है, और 10:30 बजे है, और 10:55 PM में भी है। तो आप कौन सा ट्रेन लेना पसंद करेंगे? तो दोस्तों शाहिद बोलता है, प्लीज बुक द टिकट इन द ट्रेन एट 8:30 PM, यानी कृपया करके आप मुझे 8:30 बजे वाले जो ट्रेन है उसमें आप बुक कर दीजिए, शाम के जो 8:30 बजे वाला ट्रेन है वो बुक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉय वहां जो काम करता है कर्मचारी, वो बोलता है, श्योर सर, निश्चित सर, प्लीज राइट ऑल द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर्स ऑन दिस पेपर, यानी कृपया करके आप ये जो पेपर है, ये कागज है, इस पे सभी पैसेंजर का जो सवारी है उनका आप ब्यौरा लिख दें। एंड हाउ वुड यू लाइक टू पे, और आप पैसा कैसे भुगतान करेंगे। हाउ वुड लाइक यू टू पे का अर्थ होता है आप जो भुगतान करेंगे वो पैसा कैसे भुगतान करेंगे। शायद बोलता है, आई वुड लाइक टू पे इन कैश, मैं यहाँ का जो पैसा जो अदा करूंगा वो कैश में दूंगा, यानी मैं नकद दूंगा। तो एम्प्लॉय बोलता है, हेयर आर टिकट, हेयर आर योर टिकट्स, आपका यहाँ टिकट है सर, यानी श्रीमान, हैव ए सेफ जर्नी, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। उसका शाहिद है, शाहिद बोलता है, थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों इस तरह से दोनों के बीच, यानी के एम्प्लॉय और शाहिद के बीच ये जो बातचीत है ये पूरा खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद कर किए हैं आप लोग से, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार से आगे का जो वीडियो लाएंगे वो दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन का वीडियो लाएंगे, यानी बात करने का वीडियो लाएंगे। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको अंग्रेजी सीखने में आसानी होगा।